फैमिली से, बड़ा उनको बड़ा सहन करके जीवन उनका भी बड़ा, उनको व्यवहार शुद्धि का बड़ा था। कई साल तो कहने लगे मेरा काम चला ही नहीं, तो मैं झूठ बोलता नहीं था दुकान पे, और कई काम मेरे फेल हो गए, क्योंकि तो दूध बेचने का और मिठाई का धंधा मैंने शुरू किया। तो खैर करने लगे, स्वामी जी कहते थे विवेकानंद ने रामकृष्ण की कमाई खाई और ऋषभ देव ने सनातन देव की कमाई खाई। लेकिन काम ऐसा चला तो मैं तो टैक्स की चोरी नहीं करता, उसमें भी फिर कुछ 10% निकालता हूँ ताकि वो सेवा के लिए, फिर मैं अपने लिए उसको। फिर उन्होंने कहा, मैं तो अब वो थे अविवाहित, उनके मुझे इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके भतीजे थे, उन्होंने उनको वहाँ ले लिया, कुछ शेयर उनके रख दिए। उनका मैं अब दुकान जैसे छोड़ रहा हूँ। वो रहते थे 4 महीने ऋषिकेश, कोई महीना वृंदावन, पुष्कर रहे, उनका शरीर पुष्कर में छूटा। रात को वो अपना बाथरूम गए और थोड़ा पैर ब्रेन हेमरेज हो गया। जीवन बड़ा ही सॉलिड मतलब है। वो मुझे सिखाते थे, तो उनका भी हाथ था मेरी वकालत छुड़वाने में। वो हमारे बाबूजी को कहते थे, बाबूजी आप चिंता ना करो। तो फिर मैं 9 साल तक ट्यूशन पढ़ाई, फिर 89 में वो भगत जी मेरे पीछे फिरोजपुर वाले कहने लगे, तुम एक छोटा स्कूल बनाओ, तो पब्लिक स्कूल बनाओ। मैं भगत जी बनाऊँ कहाँ से, पैसा पास नहीं है, मांगना है नहीं। और मैंने कहा, भगवान के संकल्प से सृष्टि खड़ी है ना। तो स्वामी जी का भी हमारे यही था, ये लाइन तुम्हारे लिए थी कही, तो अगर संत के संकल्प से वो बन जाए बिना मांगे और बिना, बाकी मैं ऋण लेने में तो कोई हर्ज है नहीं, वो तो हमें चुकाना ही है, मुझे इंटरेस्ट दिया जैसे भी हुआ। तो क्या लगे, नहीं ठीक है तुम करो, और ये 20,000 रुपया मेरी तरफ से इसको स्टार्ट करोगे जमा कर। बस फिर वो, और उस दौरान ऐसे ऐसे भगवत कृपा के करिश्मे हुए, मैं बता नहीं सकता। अब कभी अमृतसर में होंगे तो मैं मिलवाऊंगा उस व्यक्ति से आपको। रमन जी उटेला हैं, रमन जी अपने, ये बात है 89 की। मैं अमृतसर में आता हूँ 92 में पहली बार कथा के लिए, यही के एक सज्जन थे मुरारी भगत जी, वो कहीं हमारे फादर का कोई रिश्तेदार के आए थे। तो उस समय प्रवचन 86-87 में मैं एक साधु आश्रम हमारे जगह वहाँ बोलता, सूर्य घंटा 1.25 घंटा, बस जो स्वाध्याय करना वो सुनाना वहाँ उस तरह से। तो उन्होंने, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने फिर अमृतसर अपने यहाँ तुलसीदास जी के मंदिर में बात की पंडित जी से, तो उनका जरूर बुलाओ एक बार। तो मैं उन दिनों पैसा लेता ही नहीं था सब में, अब तो मैं अयाचक वृत्ति से ले लेता हूँ ले। जो भी, और भगवान गुरुदेव ने ये बात कही थी, उन्होंने कहा देखो कथा में 3 बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे, एक तो वक्ताओं में श्रेष्ठता का अभिमान आ जाता है, इससे अपने को बचाना है। अच्छा। दूसरा, कथा प्रोफेशन न बने, ठीक, और
तीसरा अगर अपने को सुख मिले कथा में, अपना डूबना हो तो बोलना है और नहीं तो फिर ये मनोरंजन लोक रंजन के लिए कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। तो एक एक बात उनकी ऐसी सॉलिड मेरे हृदय पर अंकित है, मतलब उनकी बातें कही तो फिर लगभग 99 तक मैंने कोई पैसा लिया ही नहीं कहीं से, बल्कि मेरी कोशिश होती है कि जो मैं अपने पास से ट्यूशन से मेरी थोड़ी सी आय होती थी, फिर स्कूल बन गया 99 में, तो 5 साल तो मैं उसका कर्जा उतारता रहा। मैं पहले मैं ये उतारूं फिर मैं चैन से रोटी खा सकूंगा। तो 94 तक 93 तक मैं प्रभु भगवान ने, और रमन जी की मैं जो बात सुना रहा था, मैं सोचा था 2 कमरे बनाऊंगा, जगह हमारे कुछ सज्जन सत्संगी थे वैसे ही प्लाट मैंने लिया था, एक एक उन्होंने लिया था, वो 3 प्लाट उनके थे। तो भगत जी मुझे कहते थे कि आप दुकान पे आ जाओ, फाइल का छोड़ दो और यहाँ ये 2500 रुपया हम आपको सुपरविजन का दे देंगे, आप हमारे चलो लोग ऑनेस्टली काम करते रहे तो इनकम टैक्स भी तो हम इतना देते हैं। तो मेरा थोड़ा मन बन गया। तो महाराज जी से जब पूछा गया